वेलकम टू एसके स्टडी फैमिली। एसके स्टडी फैमिली रे समस्त को स्वागत। ए वीडियो रे में दशम श्रेणी परीक्षा दर्पण बहीर जीव विज्ञान रो दशम चैप्टर एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करिबा। हेले ए चैप्टर रे टोटल 40 एमसीक्यू रही फुल डिस्कस करिबा। ए वीडियो रे में टोटल 40 एमसीक्यू को वीडियो को प्रथम रो शेष जाय देखिबा पई समस्त को रिक्वेस्ट। एवं जो पिला माने हमर चैनल को प्रथम थर पय आसी तले फटाफट सब्सक्राइब कर दियंतु और पाखर थिबा बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु सबटर प्रथम वीडियो को देखियो पई। टाइम वेस्ट न करि के स्टार्ट करिवो चलंतु। क्वेश्चन नंबर 1 रे रहिछि ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया केउटा रे संपादित हुए। ऑप्शन रहिछि माइटोकांड्रिया, क्रिस्टी, न्यूस्टी, कोषजीवक। तले आंसर हो कोषजीवक। ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया कोषजीवक रे संपादित हुए एवं कोशीय श्वसन तीनोटी पर्याय रही थाए। कोशीय श्वसन केतोटी पर्याय रही थाए? तीनोटी पर्याय रही थाए। सेगुडी कला ग्लाइकोलिसिस, साइट्रिक अम्ल चक्र, इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था। ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया कोषजीवक रे संपादित हुए थाए। जो ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया रही है कौटी संपादित हो कोषजीवक रे संपादित हो एवं साइट्रिक अम्ल चक्र माइटोकांड्रिया रो मैट्रिक्स रे संपादित होई थे। इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था माइटोकांड्रिया रो अंतःझिल्ली रे संपादित होई थे। तले एठी हमर क्वेश्चन थिला ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया केउटा रे संपादित हुए। तले आंसर हो कोषजीवक। नेक्स्ट देखिबा पाइरुविक अम्ल केउटा रे इथानॉल रे परिणत हुए। ऑप्शन अछि ईस्ट कोष, पेशी कोष, माइटोकांड्रिया, गोल्गी बॉडी। तले आंसर हो ईस्ट कोष। कौन आंसर? ईस्ट कोष। पाइरुविक अम्ल ईस्ट कोष ठारे इथानॉल रे परिणत हुए। नेक्स्ट देखिबा साइट्रिक अम्ल चक्र जीव कोष रो केउटा संगठित हुए। ऑप्शन अछि माइटोकांड्रिया, न्यूस्टी, गोल्गी बॉडी, राइबोजम। तले आंसर हो माइटोकांड्रिया। ए हो आंसर। कौन हो आंसर? माइटोकांड्रिया। साइट्रिक अम्ल चक्र जीव कोष रो माइटोकांड्रिया संपादित होइथाय बा संगठित होइथाय। साइट्रिक अम्ल चक्र अन्य नाम कौन? तले ऑप्शन अछि केल्विन चक्र, अम्लजान चक्र, क्रेस चक्र, अंगारकम्ल चक्र। तले आंसर हो क्रेब्स चक्र। सी हेबो आंसर। साइट्रिक अम्ल चक्र अन्य नाम है क्रेब्स चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 श्वसन रो केउ पर्याय रे जल प्रस्तुत हुए। ऑप्शन अछि ग्लाइकोलिसिस, साइट्रिक अम्ल चक्र, संवातन, इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था। तले आंसर हो इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था। डी हेबो आंसर, इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था। नेक्स्ट रही जक कहा द्वारा श्वासक्रिया करे। ऑप्शन रही श्वासरंध्र, चर्म, गाली, फुसफुस। तले आंसर हो चर्म। जक चर्म द्वारा श्वासक्रिया करी थाई एवं असरपा श्वासरंध्र द्वारा श्वासक्रिया करी थाई, माछ गाली द्वारा श्वासक्रिया करी थाई, आउ को माने कंकड़ा, चिंगुड़ी, गेंडा, शामुका माने कौन गाली द्वारा श्वासक्रिया करी थंती एवं फुसफुस द्वारा कौन श्वासक्रिया करी थंती ना साप, पारा, बतक, बादुड़ी, मनुष्य माने कौन फुसफुस द्वारा श्वासक्रिया करी थंती। ताले जक हैला चर्म द्वारा श्वासक्रिया करी थंती। नेक्स्ट गोटी एटीपी अणु भांगी एडीपी और पीआई रे परिणत हेले केते किलो जूल शक्ति निर्गत हुए। ऑप्शन अछि 29.5, 30.5, 32.5, 35.5। तले आंसर हो बी 30.5 किलो जूल शक्ति निर्गत होइथे। क्वेश्चन नंबर 8 लैक्टिक अम्ल अणु रे केतोटी अंगारक परमाणु थाय? तले आंसर हो 3टी। 3टी अंगारक परमाणु थाय। क्वेश्चन नंबर 9 प्रश्नर पछकांथ रे कोण थाय?
ରଶ୍ମିକ ଝିଲ୍ଲୀ, ଗ୍ଲଟିସ୍, ଗଲେଟ୍, ଟନ୍ସିଲ୍। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଟନ୍ସିଲ୍। ଗ୍ରସନୀର ପଛ କାନ୍ଥରେ ଟନ୍ସିଲ୍ ଥାଏ। କ'ଣ ଆନ୍ସର୍? ଟନ୍ସିଲ୍। ନେକ୍ସଟ୍, ଭୋକାଲ୍ କର୍ଡ କମ୍ପନ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ତାପ, ଆଲୋକ, ଧ୍ୱନି, ଶକ୍ତି। ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଧ୍ୱନି। ଭୋକାଲ୍ କର୍ଡ କମ୍ପନ ଦ୍ୱାରା ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର୍ 11। ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱରର ଆଗପଟେ କ'ଣ ଥାଏ? ଷ୍ଟେରନମ୍, ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦା, ପଞ୍ଜରା ହାଡ଼, ମେରୁଦଣ୍ଡ। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଷ୍ଟେରନମ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର୍ 12। କେଉଁ ଜୀବ ଶରୀରରେ ବାୟୁ ଅପଜୀବି ଶୋଷଣ ଦେଖାଯାଏ? ଉଦ୍ଭିଦ, ମନୁଷ୍ୟ, ଭୂତାଣୁ, ଇଷ୍ଟ। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଇଷ୍ଟ। ଇଷ୍ଟରେ ଅପଜୀବି ଶୋଷଣ ଦେଖାଯାଏ। ବାୟୁ ଅପଜୀବି ଶୋଷଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତିରେ, ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁଟା ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣ। ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣ। ନେକ୍ସଟ୍, ବେଙ୍ଗର ଲାର୍ଭା କାହା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ? ଶ୍ୱାସରନ୍ଧ୍ର, ଗାଲି, ଚର୍ମ, ଫୁସ୍ଫୁସ୍। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ ହେବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଅଛି? ବେଙ୍ଗର ଲାର୍ଭା କାହା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ? ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଗାଲି। ଗାଲି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ ବେଙ୍ଗ ଲାର୍ଭା। ଅର୍ଥାତ୍ ଛୋଟ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ କାହା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାଏ? ନା ଗାଲି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାଏ। ଲାର୍ଭା ଯେଉଁଟାକି କୁହାଯାଏ ଶୁକ, ଆଉ ଶୁକାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ସମୟରେ କ'ଣ? ଗାଲି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାଏ ଏବଂ ଶୀତସୁପ୍ତି ସମୟରେ ବେଙ୍ଗ ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାଏ। କାହା ଦ୍ୱାରା? ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି 14। କେଉଁ ଜୀବ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ? ମାଛ, ଅସରପା, ବାଦୁଡ଼ି, ଜିଆ। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ବାଦୁଡ଼ି। କ'ଣ ଆନ୍ସର୍? ବାଦୁଡ଼ି। କେଉଁ ଜୀବ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାଏ? ବାଦୁଡ଼ି ହେବ। ମାଛ ହେଲା ଗାଲି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାଏ, ଅସରପା ହେଲା ଶ୍ୱାସରନ୍ଧ୍ର, ଆଉ ଜିଆ ହେଲା ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା। ନେକ୍ସଟ୍ ଦେଖିବା, ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ରକ୍ତର କେଉଁଠାରେ ଥାଏ? ଶ୍ୱେତ ରକ୍ତ କଣିକା, ପ୍ଲେଟଲେଟ୍, ମ୍ୟୁଏଷ୍ଟି, ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା। କି ହେବ ଆନ୍ସର୍? ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା। ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସମୟରେ ବକ୍ଷଗହ୍ୱର ଆୟତନ ପ୍ରାୟ ଶତକଡ଼ା କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ? 10, 20, 25, 30। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ ହେବ 20। କ'ଣ ଆନ୍ସର୍? 20। ନେକ୍ସଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ନିଶ୍ୱାସରେ ଉଦରୀୟ ମାଂସପେଶୀରେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ? ଶିଥିଳନ ଘଟେ, ସଂକୋଚନ ଘଟେ, ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ସଡ଼କ ହୁଏ। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ସଂକୋଚନ ଘଟେ। ନେକ୍ସଟ୍ ଦେଖିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 18। ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍, କଟରିକା ଓ ରକ୍ତଜାଳକ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସର ବିନିମୟ ଘଟିଥାଏ? ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଓ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍, O2 ଓ CO2। ଏ ହେବ ଆନ୍ସର୍, O2 ଓ CO2। ବାୟୁ ଅପଜୀବି ଶୋଷଣରେ କ'ଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ? ଗ୍ଲୁକୋଜ୍, ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ, ଅକ୍ଜାଲିକ୍ ଏସିଟିକ୍ ଅମ୍ଳ, ଇଥାନଲ। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଇଥାନଲ। ବାୟୁ ଅପଜୀବି ଶୋଷଣରେ ଇଥାନଲ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ୍ ଦେଖିବା, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ବାୟୁ ଉପଜୀବି ଶୋଷଣ କହିବା, ସେଥିରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ଜଳ ଓ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ବାୟୁ ଉପଜୀବି ଶୋଷଣରେ କ'ଣ କ'ଣ? ନା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ଜଳ ଓ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ଆଉ ବାୟୁ ଉପଜୀବି ଶୋଷଣରେ ଇଥାନଲ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ବାୟୁ ଉପଜୀବି ଶୋଷଣରେ କେତୋଟି ଏଟିପି ଅଣୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ? 28, 38, 2, 36। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ ହେବ 38। ବାୟୁ ଉପଜୀବି ଶୋଷଣରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି କେତେ 38 ଏଟିପି ଅଣୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ବାୟୁ ଉପଜୀବି ଶୋଷଣରେ 2 ଅଣୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। କେଉଁଟାରେ? ଅପଜୀବିରେ। ଉପଜୀବିରେ 38। ନେକ୍ସଟ୍, ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ରା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଏଟିପିକୁ ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ରା କୁହାଯାଏ। ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ରା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏଟିପି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର କୁହାଯାଏ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ। କୋଷର ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆକୁ। ଏଟା ହେଲା ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ରା କ'ଣ? ଏଟିପି। ଏଟିପିର ପୁରା ନାମ ହେଲା ଏଡିନୋସିନ୍ ଟ୍ରାଇଫସ୍ଫେଟ୍। ନେକ୍ସଟ୍ ରହିଛି, ଶୋଷଣର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ହୁଏ? ସୁରାସର କିଣନ, ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ର,
ग्लाइकोलिसिस, लैक्टिक अम्ल किन्न आंसर हम ग्लाइकोलिसिस, ये आंसर ग्लाइकोलिसिस। क्वेश्चन नंबर 23, क्यों अम्ल जो बाकुला होता है, एसिटिक, लैक्टिक, साइट्रिक, पाइरुविक अम्ल, ताले आंसर हम लैक्टिक, बी है आंसर, कौन आंसर बी, जो ठीक आंसर हम कौन लैक्टिक। केते बेले मध्यच्छेद सड़क बा समतल होता है, निश्वास, गैस विनिमय, गैस परिवहन, प्रश्वास, तले आंसर हम प्रश्वास, डी है आंसर प्रश्वास। नेक्स्ट रही उद्भिद क्यों प्रक्रिया रे परिवेश रु अम्लजान ग्रहण करी थाई, विकिरण, परासरण, विसरण, विच्छुरण, तले आंसर हम विसरण, सी है आंसर। सुस्थ व्यक्तिर निश्वास प्रश्वास हर मिनिट को प्राय केते थर, तले आंसर हम 15 रु 20 थर, सुस्थ व्यक्तिर निश्वास प्रश्वास हर मिनिट को 15 रु 20 थर। क्यों गैस स्वच्छ चुन पानी को धला रंग करे, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, तले आंसर हम कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ग्लुकोज अणु संख्या तो कौन, तले ग्लुकोज अणु संख्या तो कौन ना C6H12O6, ऑप्शन नंबर सी, C6H12O6 है ग्लुकोज अणु संख्या। तो नेक्स्ट है कोष मध्य ऑक्सीहीमोग्लोबिन भांगी क्यों गैस कोष मध्य को प्रवेश करे, अंगारकाम्ल, अम्लजान, उज्जान, जबक्षारजान, तले आंसर हम अम्लजान, बी हम आंसर अम्लजान। फुसफुस कटरिका ठारे कहार विनिमय घटी थाई, रक्त, जल, शक्ति, गैस, तले आंसर हम गैस, गैस विनिमय घटी थाई। मु ऑप्शन पढ़ुनी, वीडियो लंबा हो जाबो। खाद्य रु शक्ति निर्गत हवा प्रक्रिया को कौन कहुए, खाद्य रु शक्ति निर्गत हवा प्रक्रिया को कौन कहुए, तले आंसर हम श्वसन, कौन कहुए श्वसन कहुए। 32 रे रही श्वसन एक क्यों प्रकार जैव रासायनिक प्रक्रिया, चय, अपचय, चयापचय, संश्लेषण, तले आंसर हम अपचय प्रक्रिया, श्वसन एक अपचय प्रक्रिया। नेक्स्ट रही निम्नोक्त क्यों प्रकार श्वसन सब अधिक शक्ति मिले, तले आंसर हम वायु उपजीवी श्वसन अधिक शक्ति मिली थाए, 38 एटीपी अणु उत्पन्न होता है, एवं अपजीवी श्वसन 2 एटीपी अणु उत्पन्न होता है। नेक्स्ट साइट्रिक अम्ल चक्र को किए आविष्कार करते, आंसर हम हांस क्रेबस, साइट्रिक अम्ल चक्र को कौन आविष्कार करते। नेक्स्ट देखा जलचर प्राणी मान श्वासक्रिया संपादन क्यों प्रक्रिया कार्य करे, विसरण, परासरण, अवशोषण, उच्छेदन, तले आंसर हम विसरण, ये हम आंसर विसरण। नेक्स्ट जीवकोषर जैविक जारण प्रक्रिया क्यों कोष अंगिका द्वारा संपादित होता है, तले आंसर कौन हम माइटोकॉन्ड्रिया, सी हम आंसर माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 37 नाकपुटा दुईटर अग कहा द्वारा गठित, अस्थि, उपास्थि, लिगमेंट, लिगामेंट आउ टेंडन, तले सठिक आंसर हम उपास्थि, बी हम आंसर। मनुष्य बक्षगह्वर एवं उदर गह्वर को पृथक करुवा अंश टी कौन कहुए, पंजराहाड़, मेरुदंड, मध्यच्छदा, श्वासनड़ी, तले आंसर हम मध्यच्छदा। निश्वास को क्यों प्रक्रिया, शिथिलन, प्रसारण, उभय शिथिलन, प्रसारण, संकोचन, तले आंसर हम शिथिलन, निश्वास को शिथिलन प्रक्रिया। फुसफुस कटरिका को कौन घेरी रही थाई, तले आंसर हम रक्तजालक, ये हम आंसर। तले वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, वीडियो भल लगी गोटे गोटे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने भूलं, थैंक्स फॉर वाचिंग।